कैसे है दोस्तों? 2700 करोड़ के खर्च के साथ तैयार किए गए भारत मंडपम और पूरी दिल्ली G20 के मेहमानों का स्वागत करने के लिए अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। हाँ, वो अलग बात है कि इन सारे खर्चों के लिए दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट से 927 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सरकार से उनको 700 करोड़ ही मिले। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। खैर, आज इन सारी बातों में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन आज के इस 2 मिनट्स में हम ये समझते हैं कि कैसे सरकार स्मार्टली G20 को अपना फ्रंट कवर पेज बनाकर बाकी घरेलू एजेंडों को आगे बढ़ा रही है। पर इससे पहले दोस्तों, मैंने G20 के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आपको यहाँ पर मेरे आई बटन में मिल जाएगा। अभी G20 से कुछ ही दिनों पहले इंडिया और भारत, इन दोनों नामों को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि भैया G20 के मेहमानों के आमंत्रण में लिखे हुए द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के स्टेटमेंट से, और ठीक इसी टाइम दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमिटी भी बनाई है। सो इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में बात तो करेगी, और बेशक केंद्र सरकार यहाँ पर सांसद में प्रचंड बहुमत से इन दोनों विवादों को पारित भी करवा सकती है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी। पर ऐसा करने का मतलब होता है खुद को इन सारे झमेलों और बहस में धकेलना। सो अब यहाँ पर G20 समिट ने इन सारे घरेलू एजेंडों को सबके सामने रखने का एक सही मौका सरकार को दिया है। वैसे ये G20 समिट केंद्र के लिए तो बहुत टाइम पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि बन चुकी है। यहाँ पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि G20 में पुतिन नहीं आने वाले या फिर एक्साई जिनपिंग नहीं आने वाले। हाँ, बाइडेन ने बेशक ऐसा बताया था कि शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी G20 को कमजोर बनाती है, लेकिन दूसरी ओर पुतिन तो किसी को परवाह भी नहीं है, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से पश्चिमी देशों ने पुतिन को तो साला सबसे पहले अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। और यहाँ पर बेशक G20 को होस्ट करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, क्योंकि इस प्रेसिडेंसी के खत्म होने तक इंडिया के टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के टोटल 60 शहरों में 220 से भी ज्यादा G20 की मीटिंग्स हो चुकी होगी, और लगभग 125 देशों के करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत का दौरा किया होगा। और इंडिया की इस G20 समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना योगदान दिया है, और शायद इन्हीं सारे रीजंस की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी महासत्ता अमेरिका के Washington DC में हर महीने भारत चर्चा का विषय बना हुआ होता है। मेरा मतलब है कि हमारे अच्छे कामों की वजह से। वैसे आप लोगों की क्या राय है G20 को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, मिलते हैं अगली 2 मिनट्स में। गुड बाय।